मानी चाहिए तुम्हें। केस को सिर्फ एक हफ्ता बढ़वाने के लिए अदालत को तमाशा बना दिया तुमने। हाँ, कैसा तमाशा बना दिया मैंने? एक वकील को कानून की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन तुमने तो बहुत ही गिरी हुई और घटिया हरकत कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। ये सब आपकी छत्रछाया का असर है मैडम। इतनी शातिर और गहरी चाल की कहानी सोची जिसका अंजाम था सुपर से ऊपर। और तुम कह रही हो कि मैंने अदालत की तौहीन कर दी? वो जज जो बाबिल ग्रुप की रिश्वत खाकर फैसले करता है, उसांग जो उनके झूठ ढकती है, और हम जिन्होंने ये चाल चली, हम सब एक ही कश्ती पर सवार हैं, समझे? पर तुम कब से इंसाफ का झंडा लेकर लड़ने वाली वकील बन गई? हाँ, तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं दे रही। मैंने इंसाफ का कोई झंडा नहीं उठाया। तो फिर क्यों बिना मतलब के झगड़ा मोल लेने पर तुली हुई हो? क्योंकि नफरत है मुझे तुम सबसे। बाबेल ग्रुप और उसांग सबके सब कमीने हैं। क्या कहा फिर से कहो? मैं अपनी बात कभी नहीं दोहराती, समझ गई? अपने ही चाटे का स्वाद कैसा लगा मैडम? पैंट गीली करवा दूंगी। समझ में नहीं आता इस लड़की में दिमाग है नहीं या इतना खराब हो गया। बाल बाल बच गए। हेलो, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाय बाय। चलो चलें, भूख लगी है। बाय 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 बाय। चलो, मत कुदा नहीं होता। चलो यार सुनो, वो नागिन तो बहुत जहरीली है। कौन नागिन? वही नागिन जो बिना बीन के नाचती है। चोई म्यूंगी बोली कि हमने बहुत गिरी हुई और घटिया और बचकानी हरकत की। ये भी माफिया के खेल का एक हिस्सा है, दुश्मन पर उसी के जहर से वार कर, इस तरह वो तिल मिला जाता है। सही कहा, कमीनों के साथ कमीना बनो और जीत जाओ। दुश्मन को उसी के खेल में हराने का